अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ प्रैक्टिकल सेंटर का जो 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर आया है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम जिसे हम लोग उसका गेस्ट पेपर भी कहते हैं, उसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें आपको मैं पहले MCQ सॉल्व करवाऊँगा, उसके बाद डू एज डायरेक्टेड इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं MCQs से। इसमें आपके पास टोटल 40 MCQs गिवन है और ये बिल्कुल जो है वो न्यू पेपर पैटर्न के मुताबिक बनाया गया है आपका पेपर, तो इसकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके पास, शी वॉज द फाउंडर ऑफ अफवा, बेगम जहां आरा, बेगम राना लियाकत अली खान, अनीता गुलाम अली, बिल्किस ईदी। तो जो अफवा तंजीम थी उसकी जो फाउंडर थी वो बेगम राना लियाकत अली खान है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दिस वाज द मीटिंग प्लेस फॉर मेन इन द विलेज, वेल, जिरगा, ओताक, फील्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ओताक, ओताक जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वर्ड शेबी मीन्स न्यू, डिसेंट, वैल्यूएबल, पुअर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दिस वाज अवार्डेड टू बिल्किस ईदी, निशाने हैदर, सितारा इम्तियाज, हिलाले इम्तियाज, सितारा जुर्रत। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हिलाले इम्तियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ही हैज कंपोज द पोयम द मिलर ऑफ द डी, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, अल्लामा इकबाल, चार्ल्स मैके। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ल्स मैके, ठीक है। जो ऊपर वाले भी मैं इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द वर्ड क्रिएचर, इसके ऑप्शन है आपके पास टी, सेंटर, क्रिएट, ट्रूस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अल्लामा इकबाल राइट पोएट्री इन उर्दू एंड अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, सिंधी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका पर्शियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द पोयम डेफोडिल्स इज रिटन बाय, ली हंट, विलियम वर्ड्सवर्थ, एल्सा काजी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जो पोयम डेफोडिल्स है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ हिट इज, हिट, हिटेड, हिटिंग, हिटेड। इसका करेक्ट ऑप्शन है हिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शी रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम वुमेन एट द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस हेल्ड इन लंदन, जहां आरा शाहनवाज, अनीता गुलाम अली, राना लियाकत अली, मिस फातिमा जना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जहां आरा शाहनवाज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फर्स्ट इस्लामिक सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन AD 620, 621, 622, 632। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 622। शाह लतीफ फाउंड ग्रेट कम्फर्ट इन रेस्ट, म्यूजिक, वर्क आउटिंग, म्यूजिक। किंग हेल वॉज द किंग ऑफ फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका इंग्लैंड। द किंग वॉज इन द सर्च ऑफ द सीक्रेट ऑफ वेल्थ, ट्रूथ, सक्सेस, नॉलेज। तो सक्सेस। द सिनोनियम ऑफ क्लोज इज ओपन, शट, पुश, फुल। तो इसका सिनोनियम है शट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवर लाइफ शुड बी लाइक डेट ऑफ कैंडल, लायन, बी, बर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कैंडल। अलास, शी डाइड लास्ट नाइट, वट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस, नेगेटिव, अफर्मेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एक्सक्लेमेटरी। दिस पोएट इज कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर,
चार्ल्स मैके, विलियम वर्ड्सवर्थ, ली हंट, अल्लामा इकबाल। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड इन दिस प्रोविंस, एपी के, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। तो सिंध। सारा अरेंज्ड फॉर द विलेज वुमेन डिनर, सेमिनार, मीटिंग, स्टेज शो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेमिनार। गुड्डू बैराज हैज बीन बिल्ड ऑन दिस रिवर, रावी, इंडस, चेनाब, जेहलम। इंडस। द डिग्री ऑफ पीएचडी वाज अवार्ड टू अल्लामा इकबाल बाय दिस यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, म्यूनिक, पंजाब। म्यूनिक यूनिवर्सिटी। शाह लतीफ वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ पर्शियन एंड उर्दू, अरबिक, पंजाबी, गुजराती। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मेली कैप मींस नीट कैप, बिग कैप, डर्टी कैप, स्मॉल कैप। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा डर्टी कैप। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड इज वर्स, बैडेस्ट, वर्स्ट, मोस्ट बैड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वर्स्ट। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिपीटेड द मैसेज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिचेस, इस्लाम, ह्यूमन रिलेशंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो इस्लाम। इन एवरी पार्ट ऑफ पाकिस्तान देयर आर द श्राइन्स ऑफ किंग्स, सूफी सेंट्स, हिंदू पंडित्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सूफी सेंट्स। एवरी मुस्लिम शुड रीड इट डेली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, द चार्टर ऑफ मदीना, द होली कुरान, इस्लामिक हिस्ट्री, नन ऑफ दिस, द होली कुरान। नाउ अट दिस गाजी लिव्स इन अ विलेज, सिटी, टाउन, जंगल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सिटी। फॉर द फर्स्ट टाइम द सेपरेट स्टेट, आइडिया ऑफ सेपरेट स्टेट वॉज गिवन एट कराची, लाहौर, अलाहाबाद, दिल्ली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अलाहाबाद। मोथ इज अ काइंड ऑफ एनिमल, इंसेक्ट, ट्री, फ्लावर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका इंसेक्ट। द प्राइड ऑफ इंग्लैंड वॉज किंग, क्राउन, मिलर, डी। इसका करेक्ट ऑप्शन है मिलर। गुड्डू बैराज केम इनटू ऑपरेशन इन 1960, 1961, 1962, 1965। तो गुड्डू बैराज जो था वो 1962 में जो था वो ऑपरेशन पे हुआ था, यानी उसको ऑपरेट किया गया था। फाइंड द ऑड वन आउट, सेपरेट, पियर, स्ट्रेट, स्टीप, रिपीट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लिटल इज लीस्ट, लेस, मोर लिटल, मोस्ट लिटल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा लेस। द सेंट हु लिव्ड इन द जंगल वॉज अ वेरी रिच मैन, पुअर मैन, वाइस मैन, फुलिश मैन। करेक्ट ऑप्शन है वाइस मैन। आर्टिस्टिक हैंडराइटिंग इज कॉल्ड पेंटिंग, कैलीग्राफी, टाइपिंग, ड्राफ्टिंग। कैलीग्राफी। वर्ड सिंस इज अ वर्ड, प्रोनाउन, नाउन, प्रेपोजिशन। तो वर्ड जो सिंस है वो प्रेपोजिशन है। मॉडर्न वे ऑफ कॉरेस्पोंडेंस इज लेटर, ईमेल, न्यूज़पेपर, रेडियो। तो ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल डिवोटेड अ ग्रेट पार्ट ऑफ हिज लाइफ टू द स्टडी ऑफ इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जर्मन लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इस्लाम। तो ये फ्रेंड्स इसके 40 MCQs थे जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाए। आई होप ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में MCQs जो थे वो आ गए होंगे। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में आपको मैं बता दूं कि ये आपने कहां से याद करने हैं। देखिए पहला सवाल है, व्हाट इज हिजरा, व्हेन डिड दिस इवेंट टेक प्लेस। तो जो आपके चैप्टर नंबर 1 है ये उसी में से आपको क्वेश्चन जो है वहां से गिवन है, ये सवाल आप वहां से याद कर सकते हैं। Why was the Qaid Azam greatly respected by the people of all faiths? फिर why was Abu bin Adam's name at the top of list? Why did you the angel show Abu bin Adam when he came the second night? What do you know about the village life? What are the symptoms of dengue fever? तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको अच्छे किसी भी अच्छे नोट से जो है वो आपको मिल जाएंगे, और इन सब के आंसर आपको बुक के अंदर से ही मौजूद हैं, वहीं से मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप वहाँ से याद कर सकते हैं। अब इसके आगे जो डू एज डायरेक्टेड है वो मैं आपको सारे सॉल्व करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन है आपका, अमाउंट डैश सेंट इज कॉल्ड बिश, बिट, डैश, सिंधी लैंग्वेज। यानी
इसको जो है वो आपने सॉल्व करना है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पहली ब्लैंक्स होगी उसके अंदर आपका क्या आएगा, इसमें आप अमाउंट ऑफ सेंड इज कॉल्ड बिट ऑन सिंधी लैंग्वेज, तो बेसिकली इसमें ये आएगा। यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, अमाउंट ऑफ सेंड इज कॉल्ड बिट इन सिंधी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा कलर दे देता हूँ, रेड कलर में, इसी तरह इसको भी रेड कलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ही सेज आई एम हैप्पी टुडे। इसका जो है आपने इसको नरेशन की फॉर्म में जो है आपने इसको चेंज करना है, चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ही टोल्ड डैट, अच्छा ये ही का जो है वो कैपिटल आएगा, ही टोल्ड डैट ही इज हैप्पी टुडे, ठीक है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज डैश मैन हु हेल्प मी। इसमें आपको आर्टिकल लगाना है, तो ही इज द मैन हु हेल्प मी, ठीक है, आ तो नहीं आएगा, ही इज अ मैन, ही इज एन भी नहीं आएगा, तो ही इज द मैन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एनी एलिफेंट इज अ डैश एनिमल, एलिफेंट इज अ डैश ह्यूज एनिमल। इसमें भी आपने आर्टिकल जो है वो इसको लगाना है, तो एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल ये आएगा, ठीक है। चेंज इन टू प्रेजेंट कंटिन्यूस, ही बोट अ न्यू कार लास्ट वीक, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको मालूम है कि ही शी इट के साथ क्या लगते हैं, इज एम आर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा, ही इज बाइंग अ न्यू कार। और उसमें आपको मालूम है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ आई एन जी का इजाफा होता है, तो ही इज बोट अ न्यू कार, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दे हैव लर्न्ड द डिग्निटी ऑफ वर्क, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको मालूम है कि इज एम आर लगता है और दे के साथ आर लगेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, दे आर लर्निंग द डिग्निटी ऑफ वर्क, क्योंकि आपको मालूम है कि वर्क की फर्स्ट फॉर्म है लर्न, लर्न की जो वर्क की फर्स्ट फॉर्म होगी वो लर्न होगी और उसके साथ आई एन जी का इजाफा होगा, दे आर लर्निंग अ, दे आर लर्निंग द डिग्निटी ऑफ वर्क, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विल यू टेक केयर ऑफ माई मोटर साइकिल चेंज इन टू असर्टिव। तो इसको आपने जो है ये आपके पास इंटरोगेटिव में आपने इसको सिंपल सेंटेंस में बनाना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यू विल टेक केयर ऑफ माय मोटरसाइकिल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है आपके पास, ही स्वैम इन द पूल, इसको आपने नेगेटिव बनाना है। तो आपको मालूम है कि ये जो स्वैम है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो इसमें आपको मालूम है कि जब नेगेटिव बनाते हैं तो ही डिड नॉट लगता है, ही डिड नॉट, और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो फर्स्ट में चेंज हो जाती है, ही डिड नॉट स्विम इन द पूल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमने डू एज डायरेक्टेड कर लिए हैं, अब ये लास्ट के दो रह गए, नाइन्थ और टेंथ, इनको भी कर लेते हैं। द विलेजर्स रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा,
आपको इसको नेगेटिव जो है इसको आपने इंटरोगेटिव बनाना है। तो आपको मालूम है कि विलेजर्स जो है वो यहाँ रिफ्यूज्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इसका जब आप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डिड लग जाता है। तो डिड द विलेजर्स रिफ्यूज टू पे द, रिफ्यूज को लगेगा क्योंकि वर्क की सेकंड फॉर्म फर्स्ट में चेंज हो जाती है जब आप डिड लगाते हैं। डिड द विलेजर्स रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आखिर में क्वेश्चन मार्क, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, ओपन द डोर, चेंज द वॉइस। तो आप इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपेंड। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमने इसके 10 के 10 जो है वो आपको डू एज डायरेक्टेड मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। आई होप ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग करते हैं इसके इंडिकेट द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। ये आपको क्वेश्चन यहाँ गिविन नहीं है और ट्रांसलेशन भी आपको यहाँ गिविन नहीं है। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन सी, डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन, 30 मार्क्स। तो इसमें आपको जो है वो एक तो बेसिकली सपोज यू वेंट ऑन अ पिकनिक विद योर क्लासमेट एंड एक्सीडेंट हैपेंड ड्यूरिंग द पिकनिक, यू वर अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव एंड वर गिवन इंस्ट्रक्शन टू राइट द इंसिडेंट इन डिटेल अलोंग विद ब्रीफ पिक्चर ऑफ द होल पिकनिक। यानी आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो है आपकी एक पूरी क्लास है और आप एक जगह घूमने गए हैं और वहाँ पर कोई जो है कोई एक अफसोसनाक वाकया पेश आ गया है और आप जो है वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी आप क्लास के मोनिटर हैं। तो आपको ये कहा गया है कि आपने जो है वो जो वाकया पेश आया है उसको डिटेल में जो है वो बयान करना है और पूरी जो वाकया उसकी एक पिक्चर जो है मंजरकशी आपने लिखनी है। ये 10 मार्क्स का सवाल है और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आपको कोई भी इनमें से 6 टॉपिक में से कोई भी एक ऐसे लिखना है। ऐसे आपके पास मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन है, अ पिकनिक एट सी साइड है, फाइनल ऑफ PSL 7 है, अ विजिट टू अ बुक फेयर है, माई फेवरेट पर्सनैलिटी है और इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट है। तो ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ईजी हैं, आप इस पर ऐसे लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू अरेंज अ पिकनिक इन अ फार्म हाउस। यानी आप ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि फार्म हाउस जो है वो हमने जाना है, तो आप इसके लिए आपको एक दरख्वास्त लिख कर देनी है अपनी हेड मिस्ट्रेस को। या फिर आपको जो है वो ये नहीं करना चाहते, या तो आप एडिटर ऑफ अ न्यूज़ पेपर, आप एडिटर के जो न्यूज़ पेपर का एडिटर होता है उसके नाम आपको खत लिखना है कि आपके इलाके में बहुत ज़्यादा बिजली जा रही है, इसके ऊपर आपको खत लिखें। लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये है कि आपको ये पैसेज गिविन है, आपने इसको आंसर जो है वो गिविन करने हैं, जो आंसर आपको क्वेश्चन पूछे गए इनके आपने आंसर करने हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन डू द जैपनीज मेक हॉलीडे। तो यहाँ पर आपको जो इसका आंसर बताया जा रहा है वो ये है कि जैपनीज जो है वो कब जो है वो हॉलीडेज जो है वो मनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है, न्यू ईयर इज़ द टाइम व्हेन ऑल द पीपल ऑफ जापान फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट मेक द हॉलीडे। यानी न्यू ईयर के टाइम जो होते हैं वो तमाम लोग जो होते हैं जापान के बड़े से लेकर छोटे तक, वो उनके टाइम होता है कि जिस दिन वो हॉलीडे मनाते हैं। तो इसका ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल द जैपनीज फेस्टिवल। तो जैपनीज का जो मोस्ट तमाम फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा कौन सा फेमस जो है वो फेस्टिवल होता है, तो आपको बता दूँ कि जो न्यू ईयर का फेस्टिवल होता है वही तमाम फेस्टिवल से ज़्यादा जो है वो उनके यहाँ फेमस होता है। ठीक है, व्हाट आर द प्रिपरेशन आर मेड टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल। अच्छा, इस फेस्टिवल को मनाने के लिए वो किस किस्म की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए, इसको मनाने के लिए वो लोग जो है न्यू क्लोथ जो है वो हर फैमिली के अंदर लिए जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, न्यू क्लोथ आर मेड इन एवरी फैमिली डेट कैन अफोर्ड द एक्सपेंसिस ऑफ द क्लोथ एज द पीपल्स पर्सेस विल अलाउ। यानी इसके मौके पर वो नए कपड़े जो है वो लेते हैं और इस फेस्टिवल को वो जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट आर द वेजेस 2 डेज अर्लियर। अच्छा, जो मुलाजमीन होती हैं उनके जो तनख्वाहें होती हैं वो उनको 2 दिन पहले क्यों दी जाती हैं। तो इसकी वजह यह है कि जब फर्स्ट जो 31 दिसंबर होता है उससे 2 दिन पहले, यानी और 1 जनवरी को जो सेलिब्रेशन होती है, तो 30 दिसंबर वाले दिन तमाम जो है वो लोगों को तनख्वाहें अदा कर दी जाती हैं। इसका आंसर यहाँ पर मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, ऑल वेजेस आर पेड ऑन December 30 इंस्टेड ऑफ 2 डेज लेटर व्हेन दे नेचुरली फॉल ड्यू एंड दिस इज बिकॉज ऑल द डेबिट्स एंड बिल्स मस्ट बी सेटल्ड बिफोर द न्यू ईयर डाउन। ठीक है, तो इस वजह से ये पहले तनख्वाहें दे दी जाती हैं। अब आपको जो है इसकी समरी लिखनी है इस पूरे की, तो आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के इसको आपने थोड़ा सा समराइज कर देना है। ठीक है, ये
आपके पास 6 to 7 लाइन्स हैं, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसका इसके अपनी समरी बनानी है, ठीक है। ये तो था आज के, हमने आपका पूरा मॉडल पेपर जो है वो तकरीबन सॉल्व करवाया है। आपको ये सारे समय चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी क्यूरी आप मुझसे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।